कितनी अच्छी लग रही हेलो हेलो, फाइनली मेरा ओटी ख़त्म होने को है। तो ना आज शुक्र है एक ही सेक्शन था, अब ना थोड़ा सा खुलिया दुरुस्त करने का सोचा है मैंने। बहुत ही मरीज लग रहा था। थोड़ी सी तो अपनी तरफ से ब्लोर ड्राई करके आई थी मैं, लेकिन ना फिर बारिश हो रही थी। ज़्यादा ही हो गया। एनीवेज, आज डॉक्टर एक सीनियर ने कहा था कि वो मुझसे रेक्टस लगवाएंगी, लेकिन वो तो आई नहीं। अब फिर है सिंपल सेक्शन करके आ गई हूँ असिस्ट, और उन्होंने ये भी कहा कि ना जाने से पहले एक सेक्शन करके भी जाना, ऐसे ही ना चली जाना। तो आई एम आ बिट एक्साइटेड कि कब होना टाइम। एनीवेज भाई, मौसम बहुत हसीन है, बहुत हसीन है। इस पूरे हफ्ते मेरा मूड बहुत ख़राब था, मेरा बिल्कुल दिल नहीं कर रहा था। शुक्र है ओटी बहुत लाइट गया, वरना मेरा अक जाना था। और ना और क्या कहते हैं, और बाकी सब कुछ ठीक है, बस चल रहा है। कोई नई ताज़ी नहीं हुई, मैंने कुछ भी नया तो नहीं हुआ मेरे साथ। और कुछ हुआ ही पाया नहीं रहते हैं बहुत दिनों से। मैं ना दिक्कत चल रही हूँ, अच्छी लुक लेने हैं। पता नहीं मेरे मुंह पे ना गाना, वो मैंने किसी की स्टोरी देख ली थी, उसमें मैं ना वो आग मेरे मुन्ने की साड़ी के राय वो चढ़ गया मेरे मुंह पे। एनीवेज ये हो गया। और ना इंपॉइंट भी काम अच्छा था, टीवी शीवी ना करनी पड़ जाए बस अच्छी गई। बहुत मोटी हो गई हूँ, या अल्लाह तौफीक दे दे मुझे कि मैं पतले होने की कोशिश करूँ। और सुनाए, और क्या नहीं ताज़ा है ज़िंदगी में? सब ठीक ठाक है, मैं अभी ठीक ही है। या अल्लाह ये ह्यूमिडिटी हबा ख़त्म हो जाए और मेरे बाल अच्छे लगने लग जाए दोबारा से, मैं खोलूँ। बन बना बना के थक गई हूँ मैं तो। यार फाइल फिल कर लें, नोट्स डाल लें, बल्कि इतनी दफ़ा इसको कहा है मैंने कि मेरा नाम सही लिखा गया, पता नहीं क्या दुश्मनी मेरे साथ जी। वैसे ये बात है, अब आज वैसे 20 हो गई है कि नहीं, अभी भी 3 दिन है वैसे, लेकिन मुझे ना इच्ची बिच्ची पता चल गई है इस डिपार्टमेंट की। टाइम तो थोड़ा सा ही है, लेकिन ना अब कुछ लोगों से मेरा इतना दिल ख़राब होने लग गया है कि वाई आर दे लाइक दिस। ठीक है, इवन अब वो एच ओस को भी ना अपनी टॉक्सिसिटी में एंटर करना शुरू कर दिया। चलो है तो है, क्या कर सकते हैं।
सही डॉक्टर वाली राइटिंग हो गई है मेरी पक्की पूरी, ठीक है। Placenta and membranes removed. Uterus stitched in double layer. मुझे ना तो जहर लगने लग गया था ओटी जाना, लेकिन जब से मुझे पता चला कि अब अच्छा चलो स्किन के अलावा भी काम करवा लेंगे तो ना आई एम हैप्पी। अब मैं अच्छे मूड के साथ उठी जाती हूँ। क्या वहाँ खड़े रहो, रिट्रैक्टर पकड़ो, स्पाइन पकड़ो भाई, काम मेन काम कराओ, सर्जन हूँ मैं। अल्लाह खैर रखे। हीमोस्टेसिस सिक्योर्ड, यूट्रस स्ट्रेचनेबल है, हीमोस्टेसिस सिक्योर्ड और एब्डोमेन क्लोज्ड, स्किन सूचर्ड। वियर्ड थिंग इज कि ना ग्लव्स पहने होते हैं उसके बाद ऐसा लगता है लहसुन की गंदी सी स्मेल आने लग जाती है हाथ से, इतने गंदे ग्लव्स हैं। और क्या करे बंदा, ड्रेसिंग रिसीविंग भी करनी है। आज हम चार हुई हैं, गलती से चार ही चोज हो गई हैं, तो उनमें से दो एक बीमार हो गई है, दूसरी दोनों ने मतलब छुट्टी कर ली है। एक मैं वैसे ओटी था, मुझे इंडोर भी करना पड़ेगा, और एक ओपीडी में बैठी हुई है। सही है भाई, मेरी छुट्टी वाले दिन तो वही मुसीबत पड़ जाती है, लेकिन बाकी छुट्टी कर लें है सही है, देखी जाएगी। अच्छी अब डेट क्या है यार, 17 हो गई, 17, 8, 24 हो गया। वॉच भी नहीं डाल दिया, और अभी तो मैं नाश्ता करके आई, मुझे भूख भी लग गई है और सर भी दर्द कर रहा है। अभी ना लगाऊं फिर आगे कुछ झुके बैठना आपने। सुई लगेगी, थोड़ी सी दर्द होगी आपको। हिलना नहीं है आपने, अब सर झुको। स्पिरिट
अगले नहीं हटाने से जल्दी से लेट जाएं लेट जाओ आज ये चल ही नहीं रहा आज मुझे पता नहीं क्या हो रहा है मैं तो इतनी शदीद नींद आ रही थी इतनी शदीद नींद आ रही थी मैं कहा आई डोंट केयर मैं सोने लगी हूँ मैं पहले उस उधर तकिए पे ना सर रख के पहले बैठ के सो गई फिर मैं कहा मैं तो मेरी टांग पाँव गर्दन अटक सो रही है मैं तो प्रॉपर लेट गई हूँ सो गई ना हाँ शुक्र है कुछ खास नहीं है करने को सुकून से बैठ गई हूँ जल्दी से 8 बजे घर जाऊँ यार अल्लाह का शुक्र है कुछ नई एचओज हमारी एक एचओ आ गई है नई ना ठीक है तो हमारी 1 in 4 कॉल हो गई है 1 in 4 ठीक है तो मेरी अब 3 दिन बाद कॉल आया करेगी सो आई एम हैप्पी अब आज भी आराम से घर जाकर सोऊंगी कल संडे की छुट्टी पूरी छुट्टी इतने दिनों बाद मुझे मतलब ऐसा लग रहा है छुट्टी मिल रही है मुझे और आफ्टर दैट और क्या अब मेरी ट्यूसडे को बनेगी कॉल ना एनी वेज सो दस ये ना चाय पी है तो होश आई है मुझे फिर उसके बाद बस मोबाइल पे ही लगी हूँ मोबाइल भी मतलब कितनी देर देखे ना सुबह हद हो गई है यार इतना मोटा मुँह हो गया मेरा इतना मोटा मेरा शीशे में भी देखने को दिल नहीं करता और बालों का अलग से हाल ख़राब कुछ तो मैंने डाई करके सत्यानाश कर दिया कुछ मौसम ने ख़राब किया है बिल्कुल मैं अपने आप को पसंद नहीं आ रही आजकल खैर अब जाती हूँ राउंड करने गए हैं मैं पता नहीं क्या बैठी मैं जाके देख के आती हूँ फिर क्या करते हैं क्या मैनेजमेंट करते हैं वो थ्रेटेड मिसकैरेज की